अस्सलामुअलैकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल हैदराबादी टंग्स किचन। आज हम बनाएंगे मसालेदार तुरई की रेसिपी, इसको आप भरवा तुरई भी बोल सकते हैं। बहुत मज़ेदार बन के रेडी होती है और यूनिक स्टाइल में बनाया मैंने इसको। तो चलिए इसके लिए क्या क्या लगता देख लेंगे हम। आधा किलो तुरई को ले ली मैं, ये तुरई का ऊपर का छिलका पूरा निकाल लेंगे हम, छिलका निकाल के ले लेंगे। अब हम तवा चढ़ा लेंगे गैस पे, तवा गरम हो गया, तिल डाल देंगे हम इसमें 50 ग्राम तिल ली में। तिल को भून लेंगे हम। तिल भुने गए, इसको निकाल लेंगे हम। अब हम इसमें फल्ली डाल देंगे, फल्ली भी 50 ग्राम ली मैं। फल्ली को भी अच्छे से भून लेंगे हम। अगर आपके बच्चे नए खा रहे तुरई तो इस तरह से बनाकर ट्राई कीजिए। ये फल्ली और तिल को पीस लेंगे हम मिक्सी में डाल के, इसको दरदरा पीस लेना, पूरा बारीक नहीं पीसना। इसमें हम लहसुन डाल देंगे, दो लहसुन के डलियां को छिलके ले ली मैं। ये देखिए इस तरह से सौंफ डाल दी 1 स्पून में, धनिया पाउडर 1.5 स्पून, हल्दी पाउडर ले लेंगे 1/2 स्पून जितना, नमक ले लेंगे टेस्ट के हिसाब से 1 स्पून डाली में, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 2 स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। अब ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। फल्ली और तिल एक बार फिरा के फिर लहसुन डालिए आप, क्योंकि जल्दी नहीं पीसे जाता लहसुन डालने की वजह से। अच्छे से मिला लेना इसको। मिलाने के बाद में हम फिर से तेल डालेंगे इसमें, 2 स्पून जितना तेल, बड़े स्पून से 2 स्पून जितना तेल है ये। अच्छे से मिला लेंगे तेल डालने के बाद में। अगर आपके बच्चे तुरई नहीं खाते तो इस तरह से बनाकर खिलाइए, ज़रूर खाएंगे वो। ये बनाते वक्त स्मेल बहुत अच्छी आती है, इससे स्मेल से पूछना बच्चे क्या बना रहे बोल के। ये देखिए तुरई को छिलके ले ली मैं। अब हम इसमें बीच में से कट लगा लेंगे, दूसरी तुरई को भी इसी तरह से कट लगा लेंगे हम। थोड़ा हाथ से इस तरह से हम तुरई को खोल लेंगे और थोड़ा थोड़ा मसाला लेके तुरई में भरते जाएंगे। अच्छे से पूरा भर के इस तरह से हम तुरई को दबा लेंगे भरने के बाद में। अब हम ये दूसरी तुरई को भी इसी तरह से फिल कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पूरी रेसिपी देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए आप, जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती। कमेंट्स में आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए।
तुरई भरने के बाद में इस तरह से हम दबा लेंगे। अब हम ये तुरई को पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए ज़्यादा बड़े नहीं ले रही मैं, छोटे छोटे पीसेस कट करके ले रही हूँ। दूसरी वाली भी तुरई देखो इस तरह से कट कर लेना, दूसरी वाली तुरई भी हम कट कर लेंगे। अब ये पीसेस रेडी हो गए। अब हम एक पैन ले लेंगे, पैन गरम हो गया, इसमें हम तेल डाल देंगे कुकिंग ऑयल। तेल गरम हो गया, एक एक करते हुए हम तुरई को रख देंगे। इसी तरह से पूरे तुरई को डाल देंगे हम पैन में। अब हम इसका साइड बाय साइड चेंज करेंगे। बहुत जल्दी गल जाती तुरई है। ये देखिए साइड बाय साइड करके तली में तुरई को अच्छे से फ्राई हो गई तुरई। अब हम इसको निकाल लेंगे, दूसरा बर्तन चढ़ा लेंगे हम गैस पे। पैन गरम हो गया, कुकिंग ऑयल डाल देंगे हम इसमें, जीरा डाल देंगे 1 स्पून जितना, करियापत्ता डाल देंगे 2 काड़ियाँ, एक मीडियम साइज की प्याज कट करके ले ली मैं चॉप करके, वो ऐड कर देंगे। प्याज को हम फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे 1 स्पून, अदरक लहसुन को भी भून लेंगे हम। अब हम हरी मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे, 2 स्पून हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ मैं, आपको जितनी लगती मिर्ची आप वो हिसाब से डालिए। मिर्ची डालने के बाद में मिर्ची को भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेंगे। अब हम जो तुरई तल के रख लेते हैं वो तुरई को निकाल दी मैं, और जो इसका तेल बचा था मसाला इसी में ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छे से मिला लेंगे हम इसको, हरी मिर्ची भी भुने गई। अब जो मसाला बच गया था तुरई में भरने के बाद में वो ऐड कर देंगे। कुछ देर के लिए इसको भी हम भून लेंगे।
कुछ सेकेंड्स के लिए भून लेना। मसाला भुने गया, अब हम इसमें टमाटे पीस के रख ली थी मैं दो मीडियम साइज़ के, वो डाल देंगे टमाटो प्यूरी। टमाटे की कच्ची स्मेल पूरी ख़त्म होने तक भून लेंगे हम इसको मसाले को। अब हम इसमें दही डाल देंगे, तीन स्पून जितना दही डाली मैं। दही डालने के बाद में कंटिन्यू हिलाएंगे हम इसको। एक साथ कंटिन्यू हिलाना नहीं तो दाने बन जाते हैं दही के। कुछ सेकेंड्स के लिए इसी तरह से भून लेंगे हम। मसाले को मिलाते जाइए नहीं तो दाग लग जाता। अब हम इसमें जो तुरई हम तल के रख लिए थे वो ऐड कर देंगे। और उसमें पानी ऐड कर देंगे हम। डेढ़ गिलास जितना पानी डाली मैं इसमें। साथ में हम कोथमीर कट करके डाल देंगे थोड़ी सी। अब हम हल्के हाथ से मिलाएंगे इसको, ज़्यादा ज़ोर से मत हिलाइए ना तो तुरई पूरी फूट जाती। ऑलरेडी तुरई गल गई है। कुछ मिनट्स के लिए पकाना हम इसको, ढक्कन ढाप के हम 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए तेल पूरा ऊपर आ गया। फिर एक बार इसमें मिला लेंगे हम। रेडी हो गया ये सालन। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार तुरई का सालन बनके रेडी हो गया। पूरी रेसिपी देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइए। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।